बिहार की बेटियां अब महज पर्दे के पीछे तक ही नहीं रहती बल्कि पर्दे पर भी अपना हुनर प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ ही जिस मिट्टी से निकलकर उन्होंने पहचान बनाई उसकी पहचान को विश्व पटल तक ले जाने की कोशिश भी कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के रहने वाली सुष्मिता सहेला की, जिन्होंने टीवी जगत में अपना और बिहार का नाम रोशन किया है। अब तक कई बड़े टेलीविजन शोज में अलग अलग किरदार निभा चुकी सुष्मिता कई सालों बाद भागलपुर पहुंची और सिल्क सिटी भागलपुर से सिल्क का बहुत सारा सामान खरीदा। रेशमी शहर भागलपुर में मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात है कि सिल्क सिटी की ख्याति अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। कारण है महंगाई का बढ़ना, भागलपुर में लूम ना होना, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मिट्टी से जुड़े कलाकार हैं जो इस ख्याति को अभी भी बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर की बेटी है सुष्मिता सहेला, भागलपुर पहुंची है, कई टीवी टेलीविजन शोज में काम कर चुकी है, हमारे साथ है, लेकिन अभी सिल्क से जुड़े हैं तो सिल्क की साड़ी और सिल्क के अन्य कपड़े को खरीदने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। नाथनगर के इलाके में पहुंची है, भागलपुर से बिलोंग करती हैं आप। सिल्क की ख्याति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्या लगा आपको जो आज सिल्क की दुकान पे पहुंच गई आप? मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपने रूट्स को, अपने सभ्यता को नहीं भूलनी चाहिए। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं हूँ भी ऐसी ही लड़की, मैं जमीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ, थी और हूँ और हमेशा रहूंगी। सो जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको प्रमोशन बिल्कुल करना चाहिए। इसकी प्रचार सिर्फ बॉम्बे शहर में नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। सो अपने अपने शहर का नाम उजागर, रोशन जिस तरीके से हो सकेगा उसमें मैं करना बिल्कुल चाहूंगी। एंड आई थिंक सिल्क तो ऐसा चीज है, आई मीन दिस इज समथिंग, दिस इज कोर, दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, ये मेरा पार्ट है, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल डिजाइनर रही हूँ। और एंड सिल्क सिर्फ फैब्रिक नहीं है मेरे लिए, सिल्क एक इमोशन है मेरे लिए, क्योंकि इसको बनते हुए मैंने एक कुकून से लेकर धागा बनते हुए का सफर अपनी आंखों से देखा है, उस जर्नी को देखा है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फैब्रिक, इट्स अ इमोशन, ये इमोशन है मेरे लिए। सो इसकी जो सराहना है वो बिल्कुल होनी चाहिए, इसका प्रमोशन बिल्कुल होना चाहिए और पूरे विश्व में होना चाहिए, सिर्फ एक शहर में या किसी दूसरे शहर में नहीं, पूरे विश्व में होना चाहिए। धारावाहिक मेरे साईं और कथा अनकही जैसे पॉपुलर टेलीविजन शोज में अपना अभिनय दिखा चुकी सुष्मिता का कहना था कि वो जमीन से जुड़ी लड़की है और भागलपुर की पहचान सिल्क को वो दुनिया भर में और प्रचलित करना चाहती है। सुष्मिता ने सिल्क की साड़ी, चादर समेत सिल्क से बने कई कपड़े और दूसरी चीजों की खरीदारी की। सिल्क की बढ़ती कीमत की वजह से भागलपुर में इसका कारोबार काफी मंदा पड़ने लगा है, इससे जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर मशहूर हस्तियां भागलपुरी सिल्क का प्रचार करें तो शायद इसका कारोबार दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंच सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।